अभी इशू सा हो गया था थोड़ा, तो टेक्निकल इशू इसलिए थोड़ा डिले हो गया। तो अभी आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ ईएमआई है ना। हाँ लेट्स बिगिन। नया चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट, उसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट उसके क्वेश्चंस भी नहीं है, ठीक है? तो आसानी से हो जाएगा। स्टार्ट कर रहे हैं। हेलबर्ग फायर एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करे थे कुछ और घर जाके। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, जिसने करे हैं वेल डन। तो देखो इस चैप्टर का नाम जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? अभी तक तुम लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया और अब पढ़ेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ सकते हैं इस चैप्टर में? तो हाँ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब थोड़ा सा देखेंगे। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, ज्यादा लेंथी चैप्टर वैसे भी है नहीं है। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या चीजें पढ़नी जो इम्पोर्टेंट है वो है फराडेज लॉ, उसके बाद लेंज लॉ और मोशनल ईएमएफ। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेंज लॉ और मोशनल ईएमएफ। उसके बाद जो इंडक्शन, इंडक्टर और इंडक्टांस, ये वाला टॉपिक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तीन टॉपिक है जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मोशनल ईएमएफ और इंडक्टर और इंडक्टांस, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी ईएमआई फराडे के लॉ से। फराडे क्या कर रहे थे, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जहां से एक पूरा लॉ बन जाता है। तो जैसे ऑस्टिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑस्टिन ने क्या किया था, अगर थोड़ा सा पूरा पीछे जाते हैं तो ऑस्टिन एक्सपेरिमेंट में क्या था बताना कोई? ऑस्टिन में क्या पढ़ा तुम लोगों ने? बोलो बोलो। हाँ, ऑस्टिन में तुमने पढ़ा था कि जब एक करंट कैरिंग वायर थी तो वहां पे एक कंपास पड़ा हुआ था, है ना? तो कंपास में हम लोगों ने देखा कि कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था, जब भी उस वायर से करंट जा रहा था तो कंपास डिफ्लेक्शन शो हुई। तो इसका मतलब करंट कैरिंग वायर ने क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट कैरिंग वायर ने प्रोड्यूस करा था मैग्नेटिक फील्ड, हम लोगों ने ये देखा। अब बात ये आई, क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकती है?
या नहीं, है ना, ये क्वेश्चन था। मतलब वाइस वर्सा देखना है। ऑस्टिन ने तो भाई देखा कि करंट वायर में करंट है, तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अब ईएमआई में तुम देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, पर उसके लिए कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे। तो क्या ये पॉसिबल है, सबसे पहले वो बताया फराडेस लॉ ने। तो देखो फराडेस ने क्या बताया, सबसे पहले तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स जरूर पता होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये प्री रिक्विजिट्स है ना, ये तुम्हें आना चाहिए। देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था ऑस्टिड में, ऑस्टिड ने क्या बताया था कि भाई जब भी कोई भी करंट फ्लो करेगा, कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा, तो वहां पे मैग्नेटिक नीडल थी जो डिफ्लेक्शन शो कर दिया था। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया, दैट मीन्स देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड है। अब सवाल आता है क्या वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, इज दैट कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब कन्वर्स का मतलब है क्या मैग्नेट, उसमें तो मूविंग करंट चार्ज पार्टिकल थे ना, मूविंग चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रिक करंट, तो उन्होंने करंट प्रोड्यूस किया। अब सवाल है क्या अगर मैं मैग्नेट को मूव करूं, है ना, क्या मैग्नेट के मूव करने पर करंट प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये सवाल था। तो इस सवाल का जवाब मिला हमें हाँ, कि बिल्कुल इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो वो पॉसिबल है तो ये प्रूफ कैसे मिला, ये प्रूफ हमें बाय एक्सपेरिमेंट मिला है जो कि माइकल फैराडे ने किया था। तो वो प्रूफ क्या है, देखो वो प्रूफ एक्सपेरिमेंट देखो, उस एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले तुम्हें फ्लक्स के बारे में जानना जरूरी है, कि अगर फ्लक्स समझ में आएगा तभी वो एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। तो पहले थोड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था कुछ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स वैसा ही है। क्या जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारे किस पे डिपेंड कर रहा था, एरिया पे, कि जिससे तुम्हारा फील्ड पास हो रहा है उसके एरिया पे। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स भी किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, जिस एरिया से तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, ध्यान रखना। चाहे कितना भी बड़ा हो सरफेस, हो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस चाहे कितना भी बड़ा हो, तुम्हें हमेशा उसकी वो सरफेस देखनी है जो सरफेस उसकी मैग्नेटिक फील्ड से लिंक करती हो, है ना, जिस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा हो, क्योंकि फ्लक्स तो उसी के साथ लिंक है। जो बाकी का सरफेस है, अगर मैं सपोज करो मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे, मान लो ये तुम्हारा फ्लक्स, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक इतनी बड़ी बॉडी है जिसका एरिया देखो, अब इसका एरिया कंप्लीट ए है, पर मेरे काम का कितना एरिया है, सिर्फ इतना, क्योंकि सिर्फ इतना एरिया इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक कर रहा है। तो हमें जो एरिया ध्यान रखना है, ये वही एरिया होगा जिससे फील्ड पास करेगी, या इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोले तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक होगा। ठीक है, तो ये एक तो एरिया पे डिपेंड करेगा तुम्हारा फ्लक्स। दूसरा बात आता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया। दो डायरेक्शंस होती हैं, एक अपवर्ड हो सकती है परपेंडिकुलरली, एक डाउनवर्ड्स। तो मेन इसमें क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए, ये देख लेते हैं हम आउटवर्ड्स। तो एरिया वेक्टर हो गया। दूसरा क्या है, इफ द सरफेस इज कर्व्ड, अब सरफेस जैसे कर्व्ड सरफेस है उसमें कैसे देखेंगे, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर एट एवरी पॉइंट। तो हर फिगर हर पॉइंट पे देखेंगे, जैसे मान लो ये कर्व सरफेस है, मुझे इस पॉइंट का देखना है, तो अब मैं एरिया वेक्टर की जब डायरेक्शन लूंगी तो ऐसी लूंगी जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यानी इस पॉइंट के परपेंडिकुलर हो। अगर मुझे अब यहाँ छोटा सा एलिमेंट कट करना है, विच इज डी एच एलिमेंट, अब मैं इस डी एच एलिमेंट के परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दूंगी। तो ये इस क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, हर पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर निकालते हैं, जैसे हम लोगों ने उसमें किया था स्फीयर के केस में, तो पॉइंट पॉइंट करके क्या किया था, उसका इंटीग्रेशन कर दिया था इस तरीके से। अब एरिया वेक्टर देखो क्या लिख रहा है, इफ द सरफेस इज स्फेरिकल, अगर सरफेस स्फेरिकल है देन द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर एट एवरी पॉइंट। ये वही चीज है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इसमें बताओ कि कौन सा एरिया वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन गलत है, हो सकती है, पांच है तुम्हारे पास, ए बी सी डी ई, तो
फ्लक्स तो पढ़ा है ना, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स है। बताओ कौन सा वाला गलत हो सकता है? बी गलत हो सकता है। क्यों भाई? अगर मैं इस छोटे से एरिया को कट करूं, अब इस एरिया के परपेंडिकुलर पर मुझे देखना है, तो ये तो परपेंडिकुलर है इसके। सी को देखूं तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इसको देखूं तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं लग रहा, तो सारे के सारे ऑप्शंस तुम्हारे ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे सरफेसेस में उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को देख लो जिस पॉइंट पे एरिया वेक्टर है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसमें सभी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। और किस चीज पे डिपेंड करेगा एरिया? एरिया वेक्टर देख लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज से लिंक करता है एरिया को? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो फील्ड लाइंस होंगी। तो फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करेंगी? स्ट्रेंथ पे। कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड करेंगी स्ट्रेंथ पे। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, और जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से लिंक करेगी। तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूं, फ्लक्स तुम्हारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, किसी भी एरिया के साथ लिंक करने वाला फ्लक्स की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। तो फ्लक्स यहाँ पे बी पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। देखो अब ये पहले इसमें ये था, अब ये एरिया बढ़ा दिया, फ्लक्स बढ़ा दिया, तो ये भी बढ़ गई। और अब यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ पे, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड करेंगी एरिया पे, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड करेंगी एरिया के ओरिएंटेशन पे। देखो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फील्ड लाइंस पे, सिंपल सी बात है। तब ये देख लो कि फील्ड लाइंस किस किस पे डिपेंड करेंगी, हमें पता ही है, एरिया पे डिपेंड करेंगी और मैग्नीट्यूड पे, एरिया का जो वो है मैग्नीट्यूड इस पे डिपेंड करेंगी, और सिंपल सी बात ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? यहाँ पे कॉस थीटा है ना, जो कि किस किस के बीच का एंगल होगा बच्चों? अगर मैं फाई को बी के प्रोपोर्शनल है, और फाई तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल है? ए के। मैं फाई को यहाँ लिखूं बी ए, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, वो क्या देगा तुम्हें? कॉस थीटा। तो ये थीटा किसका एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो वही तुम्हारी ओरिएंटेशन है यहाँ पे कि बी ए कॉस थीटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल विच विल गिव यू द ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी। हाँ, यूनिट की बात कर लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने फ्लक्स में पढ़ा था। अब ऐसा यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की? देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की यहाँ पे ऐसा यूनिट है, बल्कि हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई ऐसा यूनिट थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई ऐसा यूनिट थी? तो इसकी हमारे पास कोई यूनिट नहीं थी, बट मैग्नेटिक फ्लक्स की हमारे पास ऐसा यूनिट है विच इज वेबर। ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेबर इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। स्केलर क्वांटिटी आप बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी थी? कंपैरिजन करें तो स्केलर थी वो भी, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर से बात करती है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई, तो नंबर एक कैसी क्वांटिटी है? सिंपल सी बात है, स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन तुम निकाल सकते हो कैसे? फ्लक्स के बी एक से। तो अगर तुम्हें बी का एरिया का तो हमें पता ही है, ए स्केयर हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की कैसे निकालोगे बताओ? डायमेंशंस, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हो? किसकी वजह से? हम लॉरेंट फोर्स, एफ इक्वल्स टू क्यू वी है ना, तो ये यहाँ से निकाल सकते हो बी, एफ अपॉन क्यू वी करके। तो बी के डायमेंशन है, ए के डायमेंशन है तुम्हारे पास, तो इस तरीके से तुम्हें एरिया के, तो सॉरी एल स्केयर लेंथ में आएगा एरिया। ए तुम्हारा करंट के लिए है, ठीक है, जो ये ए तुम्हारा है वो करंट के लिए आएगा। करिए इसको मैग्नेटिक फ्लक्स के क्वेश्चन को, अभी फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फ्लक्स को ईएमआई से कनेक्ट करेंगे।
यह है एक मैटलैब प्लेट है जिसका एरिया है एक्स वाई डायरेक्शन में है, फील्ड जेड डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स है आपके पास डी ए कॉस थीटा, तो एरिया भी 10 है, मैग्नेटिक फील्ड 12 इंटू 10। अब ये देखो ये एक्स वाई एरिया एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका वो नॉर्मल कहाँ जाएगा? जेड में, जेड जेड तो ये जीरो ही हो गया, तो 120 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना? तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, थीटा जीरो हो गया, 120 वेबर। ठीक है, ये वाला करा, ये वाला करो। इसमें क्या है, एरिया दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द पेपर इज मेकिंग डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस, इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द वाई एक्सिस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स। हम 0.4 बाय रूट 3 कितना आ रहा है? 0.4 into √3। तो एक पीस ऑफ पेपर है जिसका एरिया गिवन है, लेंथ ऑफ द पेपर। ओके चेक कर लीजिए, एरिया ऑफ द पेपर गिवन है इतना है, लेंथ क्या कर रही है 60 डिग्रीज बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 2t इन द माइनस वाई डायरेक्शन, वो माइनस वाई डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स कितनी पास करेगी? तो ये एंगल 60 बना रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अपोजिट है, एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में? ये और तुम्हारा आंसर 0.4 वेबर वेबर तरीके से हो जाएगा। अब देखो फराडे एक्सरसाइज में, अब देखो फ्लक्स बिल्कुल समझ में आ गया है कि फ्लक्स है क्या चीज। अब देखो फराडे ने क्या किया कि ये तुम्हारे पास, देखो ये तुम्हारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में एक ये लगी हुई है, बल्ब लगी हुई है। अभी ये कॉइल में बल्ब है, ये अभी ग्लो नहीं कर रहा, अभी इसी अभी कोई ग्लो नहीं कर रहा, जैसे ही मोशन आएगा मैग्नेट में, मोशन आया जैसे ही बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखो ये अभी ग्लो कर रहा है, अब देखो अब मोशन नहीं है तो अब ये रुक गया, अब कोई ग्लो नहीं कर रहा, अब अंदर भी रख दिया पर मोशन नहीं है तो ग्लो नहीं करेगा, पर जैसे ही मोशन को तुम बढ़ा दोगे तो क्या होने लगेगा? बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों भाई? बल्ब, अब ये बताओ बल्ब ग्लो सिर्फ कैसे कर सकता है? जादू से तो करेगा ही नहीं। बल्ब कब ग्लो करेगा? जब इसको क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, है ना भाई? करंट मिलेगा तभी ये ग्लो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो अभी क्या कर रखा है तुमने, एक कॉइल से बल्ब को चुपचाप स्टेशनरी रखा हुआ है, इसमें कोई मोशन नहीं है, सारी मोशन है तुम्हारे पास इस बार मैग्नेट की। तो फराडे ने क्या बोला कि जैसे ही मैं बार मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ, बेशक क्लोज लेके जा रहे हो या दूर लेके जा रहे होनी चाहिए मोशन। ये नहीं कह रहा कि पास लेके आओ, अगर तुम दूर भी लेके जा रहे हो पर मोशन है तब भी करंट मिल रहा है,
तो ये इसने एक्सपेरिमेंट किया, और क्या एक्सपेरिमेंट है देखो, अभी डायरेक्शन वगैरह भी देखेंगे, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, कंक्लूजन बाद में देखेंगे। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करा इसने, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि अब ये एक कॉइल थी और एक ये बल्ब था, अभी ये पहले की तरह क्या है, पहले की तरह ये भी अभी आराम से बैठा हुआ है, इसमें कोई मोशन नहीं है। पहले हम लोग एक मैग्नेट को मूव करा रहे थे, अब की बार किसे मूव करा रहे हैं देखो, अब की बार किसे मूव करा रहे हैं हम लोग, एक वोल्टेज को, है ना, कि एक करंट कैरिंग, ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये देखो ये वोल्टेज से कनेक्टेड है और ये कॉइल है, तो सिंपल सी बात है इस कॉइल में क्या होगा, करंट होगा, हाँ या ना, इसमें करंट yes, होगा, और करंट है तो ये खुद क्या प्रोड्यूस कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने क्या दूसरा एक्सपेरिमेंट में देखा कि करंट कैरिंग कॉइल को जब तुमने मोशन कराया तब भी ये क्या कर रहा था, बल्ब ग्लो कर रहा था, मतलब इस कॉइल के अंदर, ये जो कॉइल है इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ इस कॉइल के अंदर भी। तो भाई ऐसा क्या रीजन है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये अब इसका कंक्लूजन हम लोगों ने देखा कि ऐसे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तुम बताओ पहले एक्सपेरिमेंट को देखो, ये रहा पहला एक्सपेरिमेंट, देखो पहले एक्सपेरिमेंट में तुम अगर इसके पास भी लेके आ रहे हो तब भी ये ग्लो नहीं करेगा, बट मोशन होना जरूरी है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में बोला कि अगर रिलेटिव मोशन होगा इसके बीच में, या तो कॉइल मोशन करे या फिर तुम्हारी बार मैग्नेट मोशन करे, तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा, ठीक है, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ऐसा क्या है कि मोशन के होने से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये मोशन है, रिलेटिव मोशन है तो करंट है, ऐसा क्यों, क्योंकि जब देखो एक बार बताओ, जब मोशन, ये जो बार मैग्नेट है जब ये मूव कर रही है, तो इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हो रही है ना, इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज हो रही है ना, फ्लक्स लिंक जो हो रखी है वो चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि अभी तो मान लो, अब चेंज इसमें याद रखना, फ्लक्स लिंक मैं क्या बोल रही हूँ, फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज हो रही है, चेंज, ये वर्ड याद रखना, चेंज। अब देखो चेंज जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम ही हो, चेंज घट, चेंज मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। अब कैसे इसको तुम, अब कैसे समझो, मान लो तुम्हारे पास ये तुम्हारी कॉइल है जिसमें बल्ब लगा हुआ है, ये तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट चुपचाप, अब एक दूसरे तुम्हें डायग्राम से समझाते हैं, एक से, देखो ऐसे समझो, ये मैग्नेट यहाँ पे रखी हुई है चुपचाप, नॉर्थ साउथ, ये तुम्हारे पास वो बल्ब है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और इससे ये कनेक्टेड है किसी कॉइल के साथ, ठीक है, ये बहुत सारी कॉइल्स हैं इस तरीके से, इस तरीके क्लोज लूप बना रही है। अब देखो ये मैग्नेट है, तो सिंपल सी एक बात बताओ कि अगर ये मैग्नेट है तो भाई इस यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी, सिंपल सी बात है, हाँ निकलेंगी, बट अभी क्या कर रहे हो, अभी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ यहाँ से पास कर रहा होगा, इस वाले कॉइल से पास कर रहा होगा, बिल्कुल पास कर रहा होगा, पर अभी ये फ्लक्स जो है, अभी ये फ्लक्स जो है ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज है ना, अभी नो चेंज है। अब क्या करें, अब मैं जैसे ही इस मैग्नेट को सपोज करो इस डायरेक्शन में मूव करा देती हूँ, यहाँ लेके चली जाती हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं इस मैग्नेट को यहाँ लेके गई, तो एक बार बताओ जो तुम्हारे पास ये बल्ब है इससे जो फ्लक्स पहले लिंक था वो कम हो जाएगा कि घट गया, कम हो जाएगा मैम, हाँ तुम दूर लेके चले गए तो इससे दूर लेके जाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उससे पास होने वाला, सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं हम, इतना ट्रम ट्रम नहीं करते, सिंपल एक ये क्लोज लूप ऐसे। अब तुम इस मैग्नेट को दूर लेके चले गए तो सिंपल सी बात है जो इससे निकलने वाली फ्लक्स है वो इस कॉइल से कम पास होंगी, तो पहले अगर मान लो मैं पहले वाले केस में बात करती हूँ, पहले वाले केस में 10 नंबर ऑफ फ्लक्स फील्ड लाइंस पास हो रही थी, जब मैं इसको यहाँ ले गई दूर, तो अभी इससे मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 5 फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो देखो तुम्हारा फ्लक्स चेंज हो गया 10 से 5 हो गया,
तो जब भी तुम्हारा फ्लक्स चेंज होगा तो नेसेसरी है चेंज, चाहे वो बढ़े। अब क्या होगा अगर तुम इस मैग्नेट को अब क्या लेके आ रहे हो, अब मान लो इसके पास ले आए, तो अभी तुम्हारा जो इसे फ्लक्स लिंक है, मैं कह रही हूँ पहले 10 था, फिर दूर ले गए तो 5, और अब लेके आ गए तो 5, अब क्या हो गया 15। तो तुम देख रहे हो कॉन्टिन्यूअसली जो फ्लक्स लिंक कर रहा है इस बल्ब की कॉइल के साथ, ये कॉइल है ना, इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर फ्लक्स चाहे तुमने 10 की जगह 100 फील्ड लाइंस पास करा दी, पर वो 100 की 100 कॉन्स्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो कोई करंट फ्लो, कोई करंट नहीं इंड्यूस होगा। ठीक है, करंट देखा गया जब जब इंड्यूस होगा, जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा। और फ्लक्स में कैसे कैसे चेंज आएगा वो हम लोग देख चुके हैं। या तो फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हो बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इस वाले केस में किया है, फील्ड लाइंस को चेंज कर दिया, या क्या कर सकते हैं बोलो, एरिया को चेंज कर सकते हैं, हाँ, या तीसरा हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो तीनों में बस तुम्हें पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि हम, अब देखो सुनो, जो करंट बच्चों इंड्यूस हुआ इस करंट, अब जो करंट जनरेट हुआ इस करंट को क्या नाम दिया जाएगा, इंड्यूस्ड करंट, क्या नाम दिया जाएगा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड, हाँ। अभी मैं बताऊँ करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो करंट कब किसी सर्किट में कब करंट आता है, जब ईएमएफ होती है ना, ईएमएफ होती है। भाई अगर मैं इसमें इस सिंपल से जो ये यहाँ पे ये बल्ब है, ये क्लोज्ड लूप है, अगर मैं यहाँ एक वोल्टेज लगा दूं तो ये बल्ब कनेक्ट हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा, तो इसका मतलब करंट से पहले क्या आता है, ईएमएफ। तो इसका मतलब सबसे पहले रूट कॉज क्या है, फ्लक्स के चेंज होने से सबसे पहले क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो सबसे पहले जब फ्लक्स चेंज होगी, जब जब फ्लक्स चेंज होगी, जब जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब एक बात बताओ, मैं अब इसको ना ऐसे कर देती हूँ, सर्किट को जो ये सर्किट है ये इनक्लोज नहीं करते इसको, ठीक है, इसको ऐसे कर देते, ऐसे। अब मुझे बताओ, अब चाहे मैं कितना भी फ्लक्स चेंज कर लूं, क्या बल्ब ग्लो करेगा, बोलो। कॉइल देखो, ये जरा ये देखो डायग्राम, देखो पहला डायग्राम, ये जो तुम्हारा कॉइल है, चाहे मैं कितनी फ्लक्स चेंज कर लूं, क्या करंट आएगा, मतलब बल्ब ग्लो करेगा, यस। बोलो, अरे अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, ये तुम्हारा ये बल्ब है, यहाँ वोल्टेज भी लगा दी, ठीक है, और इस तरीके से छोड़ दिया, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, क्या बल्ब ग्लो करेगा, सिंपल केस, लो मैम, नहीं करेगा, लो मैम, क्योंकि करंट के फ्लो, करंट फ्लो होने के लिए क्लोज्ड सर्किट चाहिए ना, करंट को पूरा फ्लो होना पड़ेगा, क्लोज्ड सर्किट चाहिए, तो करंट, तो जब करंट बल्ब ग्लो होने के लिए सर्किट क्लोज होना जरूरी है, तभी करंट ग्लो करेगा, तभी करंट फ्लो होगा। तो अब यहाँ पे तुम्हारे उस करंट का पूरा क्लोज्ड सर्किट नहीं बन रहा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, पर तुमने ईएमएफ तो दी हुई है, वोल्टेज तो तुमने दी हुई है। तो सिमिलरली इस केस में होगा, बेशक तुमने क्या किया, सर्किट को क्लोज नहीं करा, तो तुम्हें करंट नहीं मिलेगा पर ईएमएफ तब भी मिलेगी, ठीक है, तो ईएमएफ तुम्हें तब भी मिलेगी। तो यहां से क्या समझे, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से सब मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ मिलेगी, और करंट कब मिलेगा, जब तुम्हारे पास कोई क्लोज्ड लूप होगी, है ना भाई, करंट प्रोड्यूस कराने के लिए क्या चाहिए, क्लोज्ड लूप तो चाहिए, वरना करंट कैसे आएगा, ये है।
अब मान लो तुम हवा में इस मैग्नेट को क्या कर रहे हो, हवा में इस मैग्नेट को मोशन करा रहे हो, एयर में मोशन करा रहे हो, तो एयर में मोशन करा रहे हो तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, है ना भाई, तुम मैग्नेट को हवा में ऐसे ऐसे कर रहे हो एयर में, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट का फ्लक्स तो चेंज हो रहा होगा, तो वहां पर क्या करंट तुम्हें देखने को मिलता है, हवा में करंट आ जाता है मैग्नेट का स्टेशनरी मोशन करने से, बोलो कभी देखा है मैग्नेट को को मूव करा रहे और हवा में करंट आए, रियल लाइफ में नहीं देखा ना, नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि वहां पर कोई क्लोज्ड लूप हमारे पास है ही नहीं, कहां से करंट बनेगा, बट वहां पर तुम्हें इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, तो ये बात है, तो सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, अगर करंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को एनवायरमेंट मिल रहा है, मतलब क्लोज लूप मिल रही है, तो डेफिनेटली तुम्हें वहां पर करंट भी जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे तुमसे बोलूं कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुई है, यहाँ पे देखो इस इनको इंड्यूस्ड बोलेंगे क्योंकि ये इंड्यूस्ड हुई है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को बाय न्यूमेरिकली फॉर्मूले में अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिख देती हूँ, फ्लक्स का चेंज, तो इसको लिख दें डी फाइ बाई डी टी, डी फाइ बाई डी टी की जो ई एम एफ इंड्यूस हो रही है वो किसके बराबर होगी, जिस रेट से तुमने फ्लक्स को चेंज किया है, और फ्लक्स का चेंज किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डी बाई डी टी, फ्लक्स की वैल्यू क्या है, बी ए, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है तुम्हारी, फाइव बाई डी टी नहीं होगा, क्या कह रही हो मैम, विदाउट मोड तो मैम नेगेटिव में होता है ना वैल्यू, मैंने अभी वो पढ़ाया ही नहीं, तो तुम अभी सिर्फ डी फाइव बाई डी टी समझो, अभी मैंने वो पढ़ाया ही नहीं, जो अभी तक तुमने अभी जो पढ़ा है वो बस तुमने डी फाइव बाई डी टी पढ़ा है, तो माइनस अगर मैं लगा देती तो तुम्हारा सवाल होता कि मैं माइनस क्या है ये, तो अभी वो माइनस समझाया नहीं है कि माइनस क्यों आया है, तो अभी नहीं लगा रहे, तो अभी तुम समझो सिर्फ न्यूमेरिकली मैं बात कर रही हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो ये कितना है तुम्हारा डी फाइव बाई डी टी, फ्लक्स जितना चेंज होगा उतनी ही ई एम एफ इंड्यूस्ड होगी, ओके, ई एम एफ इंड्यूस्ड आ गई, अब करंट कैसे निकालोगे, करंट इंड्यूस्ड, करंट आई क्या होता है, वी बाय आर, तो वो ई एम एफ तुम्हारी यही वोल्टेज है जो तुमने यहां से निकाल ली ई एम एफ, और अगर कॉइल यूज कर रहे हो, देखो भाई जब तुम्हारे पास कॉइल है कोई, तो कॉइल सिंपल सी बात है, उस कॉइल वो कॉइल किसी कंडक्टर से ही बनी होगी और उसका रेडियस, उसका रेजिस्टेंस भी जरूर होगा, तो ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, करंट, ये था तुम्हारा फराडेज लॉ। अब फराडेज लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी, देखो आगे बढ़ते हैं, अभी वापस इसी पेज पे आएंगे, अब देखो करंट इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग लूप बिकॉज ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द लूप, अब देखो जैसे ही ये तुम लेके इसको कर रहे हो फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये डायग्राम यहाँ पे ये देखो, इस चीज को देखो, ये देखो ये वैल्यूज बी, ये एक्स और वाई में है अलग अलग, कि एक्स में कितना चेंज हो रहा है, अब वाई में कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है, तो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है तो वो ग्लो करता रहेगा, कॉन्स्टेंट हो गया तो वो ग्लो नहीं कर रहा, पर फिर से ये वैल्यूज चेंज दिखेंगी तो फिर से वो ग्लो करना लगेगा, तो ये तुम्हारे बात है। अब फराडेज लॉ ये हो गया, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये माइनस क्यों आया है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, माइनस क्या दिखाता है, लेट्स मूव ऑन, देखते हैं क्या है ये, इतने तुम ये कैलकुलेट करो ई एम एफ इंड्यूस, माइनस साइन क्यों आया है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना चेंज हो गया इतने सेकंड में, तो ये मैं बता दूं कितना इंड्यूस हो गया, ओके
0.6. ओके, तो कितना चेंज हुआ तुम्हें पता है, 12 से इतना हो गया 0.01 सेकंड में, तो डेल डी बाय डेल डी फाइव बाय डी टी आसानी से कर सकते हो, ये तुम्हारे पास 6 आ गया और इसको टी से डिवाइड कर दो विच इज 0.01, यू विल गेट दिस वैल्यू. तो इजी था ये भी. अब तुम ये वाला करो पॉलीनोइड के लिए, ये अच्छा सवाल है. तो देखो मैम, इसमें जो फ्लक्स चेंज होगी वो सॉलिनॉइड की वैल्यू लिखो, बी डॉट ए, बी कितना होता है सॉलिनॉइड के लिए वो लिखो. सॉलिनॉइड में पर सेंटीमीटर के टर्न्स दिए हुए, ठीक है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर. हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया दिस इनसाइड द सॉलिनॉइड नॉर्मल टू द एक्सिस इफ द करंट कैरिड बाय द सॉलिनॉइड चेंजेस. तो यानी करंट चेंज हो रहा है. देखो क्या होता है, मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू होती है डी सॉरी ईएमएफ की डी फाइव बाई डी टी. ये डी बाई डी टी फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी ए. बी किसके सॉलिनॉइड में बी किसने के बराबर होता है बताओ, म्यू एन आई, म्यू नॉट एन आई है ना. तो देखो डी बाई डी टी म्यू नॉट एन आई ए. क्या चीज चेंज हो रही है, क्या ना तो मेरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर चेंज पर यूनिट लेंथ चेंज होगा, ना म्यू नॉट चेंज होगा, ना एरिया चेंज हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है डी आई बाई डी टी. कितना चेंज हो रहा है, 2 से 4, कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड. तो यहाँ से तुम निकाल लो, टर्न्स पर सेंटीमीटर में है तो याद रखो मीटर्स में करना जरूरी है. तो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर पर मीटर कितना आ रहा है, एन की वैल्यू बोलो करो. आंसर बोलो, आंसर वैल्यू एन कितना है, एन तो बता दो. 1500. यस 1500 पर सेंटीमीटर है, तो ये एन की वैल्यू 15
पर सेंटीमीटर, मुझे चाहिए मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10^-2 ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया 1500, तो एक मीटर में 1500 तो n की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, एरिया भी तुम्हारे पास गिवन है, ये रहा 2, ठीक है, और ये 2 से 4 ये हो गया 2/0.1, सारी वैल्यू रख दोगे तो यू विल गेट योर आंसर, म्यू नॉट एन आई डी बाई डी टी कॉमन सी से बाहर डी आई बाई डी टी, तो ए की वैल्यू रख दी जो की 4π नंबर ऑफ टर्म 1500, डी आई बाई डी टी कितना हो गया 2 से 4 से 2 हो रहा था तो 2/0.1, ये तुम्हारा आंसर -7.41 × 10^-6, दिस इज द ओनली कैलकुलेशन पार्ट, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। फैराडेज़ लॉ के एप्लीकेशन है जैसे एडी करंट वगैरह, ये देखिए। अब बात आई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंज लॉ, ठीक है, तो लेंज लॉ देखो, अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि ईएमएफ इंड्यूस हो गई किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। अब देखना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या है, कि मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है भाई वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, करंट किस डायरेक्शन में होगा, ये कैसे पता चलेगा, है ना, कि किस डायरेक्शन में करंट है क्या है, तो उसके लिए देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। इसमें सबसे पहली बात ये देखो, लेंज ने क्या बोला, उसने ये बोला कि जिस डायरेक्शन में मतलब जो डायरेक्शन इंड्यूस होगी ना ईएमएफ की, वो इस तरीके से इंड्यूस होगी या करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो जिस फ्लक्स से लिंक कर रहा है ना उसके अपोजिट हो। देखो सुनने में अभी टफ लगेगा, लेकिन इसमें देखती हूँ डेफिनेशन क्या लिख रहा है। देखो, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट अ करंट दैट इंड्यूस्ड अ करंट दैट अपोजिस द मैग्नेटिक फील्ड दैट जनरेटिंग द करंट। दो बार पढ़ो इसको, खुद से पढ़ो 2-3 बार, ये क्या कह रहा है, खुद से पढ़ो इस लाइन। पढ़ लिया, देखो क्या कह रहा है, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बनी, ईएमएफ के बनने से करंट बना, तो ये जो करंट की डायरेक्शन होगी ना ये तुम्हें इस तरीके से लेनी है कि जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इसे फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, मान लो फ्लक्स को तुमने बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाने से फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ जनरेट हुई, तो अब ये करंट इस तरीके से बढ़ेगा कि इसका अपोज करेगा, तो तुम मुझे बताओ ये आई इसका अपोज कब कर सकता है, कि फ्लक्स को बढ़ा दे कि घटा दे, बोलो, नहीं आया समझ, सुनो फ्लक्स है, फ्लक्स दो तरीके से चेंज हो सकती है, तुमने अभी देखा, या तो तुम इंक्रीज कर दोगे पहला, दूसरा क्या कर, देखो डिक्रीज, फ्लक्स चेंज दोनों तरीके से होगी, दोनों चेंज, दोनों में करंट प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना, यस ठीक है, सो पहला केस देखो, अगर तुमने फ्लक्स को बढ़ा दिया तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, अब करंट की डायरेक्शन क्या काम करेगी, इसके उल्टा चलेगी, मतलब अपोज करेगी, किसका, जिस के चेंज से ये प्रोड्यूस हुई है, तो कैसे चेंज से प्रोड्यूस हुई है, फ्लक्स के बढ़ने से, तो ये क्या करेगा, अगेंस्ट में काम करेगा, इस फ्लक्स को ऐसी डायरेक्शन में जाएगा कि ये फ्लक्स को क्या कम कर, क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा कि फ्लक्स को कैसा कर दे, कम कर दे। अब देखो दूसरे केस में फ्लक्स कम है तो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि इस फ्लक्स को क्या कर दे, बढ़ा दे, ठीक है, उल्टा कि भाई तुम फ्लक्स तुम कम हो रही हो, ठीक है, अब मैं प्रोड्यूस हो गया तो मैं तुम्हारे उल्टा काम करूंगा, तुम बढ़ रही हो तो तुम्हें घटा दूंगा, अगर तुम कम हो रही हो तो तुम्हें
बढ़ा दूंगा, हमेशा अपोज करेगा, ऑलवेज अपोजेस, हमेशा अपोज करेगा। अब अभी तुम्हें समझने में, अब तुम क्वेश्चन करोगे ना एक दो तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो ये सब थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले बेसिक एक दो क्वेश्चन देखो। अरे मैंने लगाया था पेजेस लगाए थे मैंने, तीन चार, हाँ है मैंने तुम्हें समझाया था वो कहे कहाँ पेजेस। अब देख सकते एक दो क्वेश्चंस देख तब तुम्हें समझ में आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कॉइल रख दी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों बढ़ा रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रही हूँ, तो बोलो फ्लक्स चेंज होगा। यस मैम, यस मैम। ईएमएफ आएगी, क्लोज्ड लूप है तो करंट भी इंड्यूस होगा। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ये करंट क्या चाहेगा कि भाई मैं तो तुम्हें अपोज करूंगा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि इसको कम करना चाहेगा। तो अभी ये फील्ड देखो इनवर्ड्स है, ये इनवर्ड्स है, तो अब ये ऐसी डायरेक्शन में जाएगा कि इसका अपोज करे, यानी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब लगाओ अपना ये राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, आउटवर्ड, बाहर आ रही है। तो अब जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक, अब देखो सुनो क्या कॉन्सेप्ट है, करंट आ गया तो करंट की, और जब करंट आ जाता है तो करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो अब ये जो करंट आया है ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करो बी वन, ठीक है, इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, आई डोंट नो, पर जो भी मैग्नीट्यूड है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया कि नहीं आया, देखो। yes, तो नेट तो उसका मैग्नेटिक फील्ड घट गया है ना, बी जो था वो बढ़ रहा था उसको घटा दिया, तो ये क्या करेगा, उल्टा चलेगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करती कि ये तुम्हारे पास ये है तुम्हारी कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, देखो डिक्रीज कर रही हूँ, फ्लक्स चेंज हो गया, बिल्कुल। तो आप कहोगे कि मैम करंट आएगा, अब मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, सपोर्ट करेगा कि इसका अब क्या करेगा, अगेंस्ट में तो रहेगा, तो अगेंस्ट में कैसे रहेगा, इसको बढ़ा के अब क्या करेगा, करंट जो आएगा क्लॉकवाइज, हाँ करंट इंड्यूस्ड आएगा, अब इसके उल्टा चलेगा, मतलब इसको बढ़ाना चाहेगा, तो इसको इंक्रीज कैसे कर सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के, तो फील्ड को कैसे बढ़ाएगा, जब इस तरीके से करंट आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्ड्स आ गई तो सपोर्ट कर दिया, तो फील्ड बढ़ जाएगी, सपोर्ट करते ही फील्ड बढ़ गई। तो इस तरीके से तुम्हें डायरेक्शंस ढूंढनी पड़ेंगी। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार मुझे पूछ लो दोबारा कि मैम नहीं आ रहा। कहां से नहीं समझ आ रहा भाई? मैम ये बोलना प्यांश, बोलो कैसे नहीं समझ आ रहा। मैम ये वहां पे ऊपर वाला और ये वाला एग्जांपल दिया ना, ये एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा ठीक है, लेंस लॉ समझ में आ गया,
बताओ लेंस लॉ क्या कहता है, अपने मुंह से बोल के बताओ मैम कि जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके अपोजिट वर्क करता है हमारा करंट। हाँ वेरी गुड, कि जो करंट इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोज कर सकता है। तो पहले केस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज लिखा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को तुम बढ़ा रहे हो तो मतलब फ्लक्स चेंज हो गया, ठीक है। तो करंट तो आएगा, अब करंट आ रहा है तो करंट की पूछी है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन बताओ कैसे आएगी। तो ये डायरेक्शन खुद देखो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो ये जो डायरेक्शन होगी ये इस तरीके से होगी कि फील्ड को कम कर दे, ठीक है। फील्ड कम कर पाओगे इसके उल्टा जाके, तो इनवर्ड है फील्ड, मैं क्या कर दूंगी उसको आउटवर्ड। तो इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड की कहां आ गई, बाहर है ना, बाहर आ गई। तो कुल मिला के तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड घट गया ना भाई, ये तो इसकी वजह से तो इंक्रीज है, और ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये कहां आ रहा है, आउटवर्ड्स, इस कॉइल की वजह से। देखो ये जो कॉइल है इस कॉइल की वजह से फील्ड देखो कहां आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड घट गया कि बढ़ गया, नेट घट गया है ना भाई, ये तो इनवर्ड, ये आउटवर्ड, तो घट गया। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में मैंने डिक्रीज कर दी, तो अभी इंड्यूस करंट इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो बढ़ाने की कोशिश कैसे कर सकता है। अब देखो जो ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट तुमने मुझे बताया है कि मैम इस डायरेक्शन में रहेगा, इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, इनवर्ड आ रही है, और पहले भी इनवर्ड, और पहले भी इनवर्ड थी, तो अब देखो दोनों की वजह से इनवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कर दिया उसका उल्टा काम, कि तू घट रही है तो तुझे बढ़ा दिया, पहले में बढ़ रही थी तो उसको कम कर दिया। देखो ये क्रॉस था, यहाँ पे डॉट आ गया। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल थर्ड, ध्यान से करना। बताओ कितना करंट आएगा इस कॉइल में, किस डायरेक्शन में आएगा, ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, मैम क्लॉकवाइज, क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, पहले देखो आई जो है कांस्टेंट है। देखो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हो, फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हो, या तो बी चेंज करके या ए चेंज करके। अब ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की वजह से बी कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ए या आर व्हाटएवर, तो आई को चेंज करके। अब यहाँ आई क्या है, कॉन्स्टेंट, तो तुम्हारा फ्लक्स चेंज हुआ ही नहीं, तो फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस कितनी हो गई, जीरो। हाँ ईएमएफ इंड्यूस जीरो, ठीक है, क्यों, क्योंकि डी फाइव बाई डी टी जीरो। चौथा केस देखो, ये आई है, अभी मैं आई को क्या कर दे रही हूँ, इंक्रीज कर दे रही हूँ, ठीक है। अब बताओ, चलो अब फ्लक्स चेंज हो गई, अब मुझे डायरेक्शन बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट बढ़ रहा है यानी फ्लक्स बढ़ गई, ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज मतलब जो भी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, ठीक है, बी इंक्रीज हो गया मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से। देखो इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में है, बाय राइट हैंड थंब रूल, तुमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली इनवर्ड्स, ठीक है, तो इनवर्ड्स ये इंक्रीज हो रही है, करंट क्या करना चाहेगा, डिक्रीज, तो डिक्रीज कैसे कर देगा इसको, आउटवर्ड्स लाके, और आउटवर्ड कैसे ला सकता है, एंटी लाके, तो ये इसमें करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई ना, तो हमें उसको अपोज करना है, तो अपोज कैसे कराएंगे, बाहर, ठीक है, करंट ऐसे आएगा एंटी में। बोलो हाँ या ना, यस मैम,
एक और करो। अभी चलो डिक्रीज कर देते हैं, अब इसकी डायरेक्शन भी ऐसे करती है। अब बताओ, आई को डिक्रीज कर दिया है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर दी है। मेंटी क्लॉकवाइज ठीक है, वेरी गुड। एंड देखो, पहले डायरेक्शन देख लो, यहाँ पे है तो डायरेक्शन कैसी आ रही है, आउटवर्ड है ना, तो आउटवर्ड से पहली बात तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिख दी। अब क्या है, डाउन करंट कम हो गया, यानी हम क्या करना चाहेंगे, उसको बढ़ाना चाहेंगे। तो बढ़ा कैसे सकते हैं, अच्छा कम हो रहा है तो हाँ भाई आई कम है तो वी वॉन्ट टू इंक्रीज इट, तो इंक्रीज यानी हमें आउटवर्ड्स में लाना पड़ेगा, तो आउटवर्ड कैसे आएगी, एंड की। यस ये तुम्हारा डायरेक्शन, तो वो जो माइनस लग रहा था वो इसी चीज के लिए था कि जो भी डायरेक्शन है वो उसको अपोज करेगी। एक दो एग्जांपल्स और हैं, एक दो एग्जांपल और कर लो। इसको मैं वी वेलोसिटी से यहां पे लेके जा रही हूं, बताओ करंट की डायरेक्शन क्या आएगी। और अब मैं इस सेकंड केस में इसको यहां पे ऐसे लेके आ रही हूं, यानी यहां पे हम ए चेंज कर रहे हैं डिस्टेंस, है ना। बी किस पे चेंज कर रही थी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। पहले मैं आई चेंज किया, इस केस में क्या चेंज कर दिया, ए। तो पहले में खुद देखो एरिया, ये क्या हो रहा है, ए बढ़ रहा है, तो फ्लक्स क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो डिक्रीज। गई, खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। तो अब ये तुम, ये इनवर्ट इस तरीके से है, तो ये तुम क्या करना चाहोगे, इसको इंक्रीज करना चाहोगे, तो इंक्रीज कैसे होगी, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज हो गई। यहाँ पे तुम इसको पास लेके आ रहे हो, तो यानी ये बढ़ गई, तो अब तुम इसको डिक्रीज करवाना चाहोगे, यानी आउटवर्ड्स लेके आके। तो आउटवर्ड्स कैसे एंटी आएगा, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज। तो ये इस तरीके से डायरेक्शन आ रहे, मोस्ट पॉसिबल केसेस यही थे डायरेक्शन के। आई होप कि तुम्हें चीजें क्लियर है ना। ठीक यस मैम। तो एक क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन नंबर 7। अभी तुमने मैग्नेटिक फील्ड भी किया है, तुमसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये लेंथ एल है, ये ब्रेथ बी है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, ठीक है। और आई जो गिवन है वो तुम्हें गिवन है 5t² पॉइंट इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए शुरू हो जाइए। फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स में आई की वैल्यू आएगी, वो गिवन है 5t² वो रखते हैं।
फ्लक्स बताओ, फ्लक्स कितना है पहले, फ्लक्स लिंक कितना है? फ्लक्स क्या होता है? बी ए, ठीक है। एरिया तो गिवन है एल बी, बी बताओ कितना, फ्लक्स निकालो पहले, फ्लक्स। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना है, फ्लक्स तो जब आएगा पहले बी बताओ। ये क्वेश्चन हमने किए हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले, तो बहुत किए हैं, एक दो दिन पहले ही कराए थे। कराया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है तो इस पे फोर्स कैसी लगेगी, आई देखो 5t स्क्वायर है, ठीक है। टाइम के साथ मतलब करंट बढ़ रहा है, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स क्या होगी? तो डायरेक्शन निकालो पहले लूप में इस तरीके से निकालो, करंट बढ़ रहा है तो बढ़ेगी, तो डायरेक्शन इनवर्ड से तो आउटवर्ड आ जाएगा, तो इस तरीके से आ गया। बोलो, तो हमने क्या देखा था कि जो ये वाली लूप है, जो ये मतलब ए बी और सी डी, ए बी और सी डी पे जब हमने फोर्स निकाली थी तो इक्वल एंड अपोजिट आई थी ना, तो मैंने क्या बोला था कि इन दोनों को इग्नोर कर देना और सिर्फ ए सी और बी डी के लिए निकाल लेना फील्ड, मैंने निकलवाया था जब ऐसा क्वेश्चन। ये तुम्हारे पास ए और सी और ये तुम्हारे पास बी और डी, मैंने ये बताया था इस तरीके से। तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, और वो वाली वायर कितनी डिस्टेंस पे है, ए प्लस एल डिस्टेंस पे। तो क्योंकि उनमें फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है और फोर्स ये इधर है, तो फोर्स इसमें डाउनवर्ड लग रहा था ए बी वायर पे, और ये वाली पे ये इनवर्ड्स है, ये इधर है, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा था, तो हर पॉइंट पे फोर्स क्या हो जा रहा था, इक्वल एंड अपोजिट। देखो हर पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे ये कट कर देगा, इस पॉइंट को ये कट कर देगा, तो इसलिए वो वायर हटा ही दी थी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वायर्स बची, सॉरी वर्टिकल वायर। तो इन वर्टिकल वायर के लिए निकाला था ना हमने मैग्नेटिक फील्ड, कितना म्यू नॉट, मैंने बोला था म्यू नॉट आई 2πa, इसके लिए कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई 2πa, और इसके लिए म्यू नॉट आई लिमिट लगा देते ना, म्यू नॉट आई और क्या करते हैं ए, और ये होता था माइनस नॉट आई अपॉन 2πa, क्या होता था तुम्हारा लॉग ए प्लस एल अपॉन टी, इस तरीके कराए ना लॉग वाले, एक इंटीग्रेशन करके करते थे, या ये सी तक, ये ए तक है और वो ए प्लस एल हो जाता माइनस का। ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अब इसको चेंज निकाल दो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया कितना हो जाएगा आई कितना है तुम्हारे पास, एरिया ए एल एल बी, एरिया लिख दो एल बी, हो गया तुम्हारा एल बी, एरिया आ गया, तो ये आ गई फ्लक्स। ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, तो चेंज क्या हो रहा है सिर्फ आई, तो क्या लिखेंगे हम सिर्फ डी आई बाई डी टी। तो देखो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एज इट इज एल बी एज इट इज, ये लॉग ए प्लस एल अपॉन ए एज इट इज, डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 10t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी यहाँ पे 10, ये क्या आ गया तुम्हारा ई एम, क्या था इसमें, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाला नॉर्मली जब तक निकालते आए हैं, या तो फिर देखो ऐसे भी करते थे, ये लेके छोटा सा
लेंथ एलिमेंट कट कर देते हैं ना, ऐसे भी किया है, तो कैसे होता था ये म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन कर देते थे, ये छोटा सा एलिमेंट कितना हो जाएगा मान लो एक्स डी एक्स, इस तरीके से इंटीग्रेशन करते थे कहां से कहां, ए से लेके ए प्लस एल तक। तो ये चीजें हम लोग कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पुरानी क्लासेस में दोनों तरीके। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पॉइंट, लॉग वाले करे हैं ना हमने। पहले बी निकाला, फिर फ्लक्स के लिए उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया एल बी, ये आ गया, फिर डी फाइव बाई डी टी कर दिया, ठीक है। तो अगली क्लास में और क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, और थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को रिवाइज करो तभी हो पाएगा। ठीक है, चलो।